सुनो, अपनी बहन से पूछ लेना कल कितने बजे आएंगी तुम्हें राखी बांधने। मुझे भी जाना है अपने मायके। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो निशा के बारे में? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कुछ तो बात है, वरना तुम अपनी बहन तो नहीं कहती, निशा दीदी बोलती। कोई परेशानी है तो बताओ। और ये बैंक से मैसेज आया कि तुमने FD तुड़वा ली है। मुझे कुछ बताया भी नहीं इस बारे में। ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें FD तुड़वानी पड़ गई? कुछ हुआ नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने FD तोड़वा दी। और क्या मेरा तुम्हारे पैसों पर कोई हक नहीं है? तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम, तुम जानती हो ना, ये रकम हमने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा की थी। तुम्हारे मायके में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? सुनो, बहुत रात हो गई है, कल त्योहार भी है, उसके बाद बात करते हैं। अभी तुम सो जाओ। नमस्ते भैया, कैसे हो? आ गई तू? अरे भाभी, सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। आपका तो हर बार का यही है दीदी, मुझे भी घर जाना है अपने राखी बांधने। भाभी, मैं तो घर से टाइम से ही निकली थी, लेकिन त्योहार के चक्कर में ऑटो ही नहीं मिला। अरे अरे निशा, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, तो ऑटो से क्यों आई? अरे भैया, वो गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई है। तो जीजा जी को बोल देते, वो छोड़ जाते घर। हाँ दीदी, जीजा जी ने आपको क्यों नहीं छोड़ा? या फिर उनकी गाड़ी भी सर्विस के लिए गई हुई है? अरे भाभी, वो अब ये सब बातें छोड़ो ना, अब राखी तो बनवा लो। अब ये बता कि गिफ्ट में क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं भैया, बस आपका साथ चाहिए हमेशा मुझे। वो तो नहीं मिलेगा दीदी। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम? अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लो कि क्या कह रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूं। अगर ये हमें अपना नहीं समझती तो हम इनका साथ क्यों देंगे? भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? आप नाराज हैं मुझसे? दीदी, नाराजगी तो अपनों से की जाती है ना, और आप कहां हमें अपना समझती है? सच में भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आप ही समझाओ ना भाभी को, वो क्यों मुझसे नाराज है? क्या हुआ? क्यों त्योहार वाले दिन निशा का दिल दुखा रही है? हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। राखी तो तुमने बनवा ली ना, अब राखी का गिफ्ट भी दे दो अपनी बहन को। क्या है ये निशा के घर के पेपर तुम्हारे पास कैसे? इस बात का जवाब दीदी ही देंगी, जिन्होंने हमें बिल्कुल पराया कर दिया। निशा, क्या है ये सब? सच में भैया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कुछ। आकाश, ये दीदी के घर के पेपर्स है जो इन्होंने गिरवी रख दिया था। गिरवी? हाँ आकाश, गिरवी। और तुम्हें पता है दीदी ऑटो से क्यों आई है? हाँ, क्योंकि गाड़ी सर्विस पे है। नहीं, क्योंकि गाड़ियां बेच दी है इन्होंने और घर गिरवी रख दिया है। क्या निशा, अंकिता सही कह रही है क्या? सॉरी भैया, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, इनको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, इसलिए हमें ज्वेलरी और गाड़ियां बेचनी पड़ी और घर भी गिरवी रखना पड़ गया। सॉरी भाई, सॉरी भाभी। दीदी, अगर आप हमें अपना समझती ना तो आप हमें जरूर बताती, लेकिन आपने तो हमें पराया कर दिया। दीदी, आपकी लाइफ में इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? वो तो आप लोगों ने जहां घर गिरवी रखा उसी बैंक में मेरी फ्रेंड काम करती है और उसने मुझे बताया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता। निशा, ये तुमने सही नहीं किया। भैया, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा शायद भाभी आपको हमारी मदद करने नहीं देगी, बस इसीलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपनी FD तोड़वाकर आपका घर छुड़वा लिया है और बाकी की सारी बातें आकाश जीजा जी से कर लेंगे। दीदी, ननद और भाभी के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं वो तो हम हमेशा करते ही रहेंगे, और मैं आपको हमेशा ऐसे ही ताने देती रहूंगी। पर दीदी, मुझे इस रक्षाबंधन पर आपसे एक वादा चाहिए
कि आपको जब भी हमारी जरूरत होगी आप हमें हमेशा बताएंगे। सुख में भले ही आप हमें याद ना करें पर दुख हमेशा हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रॉमिस भाभी, आप जैसी भाभी हो ना तो कोई भी ननद अपने मायके जाने से ना कतराए और माँ का प्यार भी भाभी से ही मिल जाए। अच्छा अच्छा, बहुत इमोशनल हो गए हम सब। मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना है। अब आप अपना गिफ्ट लीजिए, हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे।